शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें या बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के उस ऐतिहासिक भाषण की जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था। शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, आज हम केवल डॉक्टर अंबेडकर के उस ऐतिहासिक भाषण को पढ़ेंगे जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था और जो उनका संविधान सभा में आखिरी भाषण था। ये भाषण मैं आपको इस किताब से पढ़कर बता रहा हूँ, ये भाषण आपको और भी कई जगह पर मिल सकता है। अगर आप लोग इस किताब को अपने आसपास के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बंटवाना चाहते हैं या अपने घर के लिए भी मंगाना चाहते हैं, तो कुशल चंद्र जी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वो नंबर लेकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप ये किताब मंगवाइए और अपने आसपास के एरिया में बंटवाइए। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंतिम वक्ता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अंतिम ऐतिहासिक भाषण में कहा कि मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाई गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके यह देश स्वतंत्र होगा, लेकिन इसकी स्वतंत्रता का आगे क्या होगा? एक समय यह देश स्वतंत्र था, भारत की स्वतंत्रता खत्म हुई थी, इसका मुझे दुख है, लेकिन अपने ही लोगों के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता खो बैठे, इसका मुझे अधिक दुख है। क्या इतिहास फिर अपने को दोहराएगा? इस विचार से मुझे देश के भविष्य की चिंता हो रही है। हमें अपने रक्त की अंतिम बूंद बहाकर भी आजादी की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य संवैधानिक रास्ते से ही प्राप्त करने चाहिए, हिंसात्मक मार्ग से नहीं, क्योंकि संविधान से बाहर का मार्ग केवल अराजकता की ओर ले जाएगा। क्या भारतीय जनता अपने मत, धर्म, पंथ या पक्ष की अपेक्षा देश को अधिक महत्व देगी, या देश की अपेक्षा अपने पंथ या पार्टी को ही श्रेष्ठ समझेगी? यदि पंथ या पक्ष को प्रधानता दी गई तो देश फिर से एक बार मुसीबत में फंस जाएगा। इस मुसीबत से हमें दृढ़ता के साथ देश की रक्षा करनी चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतंत्रात्मक देश होगा। इसका यह अर्थ है कि उस दिन से भारत में जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार होगी। नायक पूजा पर उन्होंने कहा कि भारत में इस पर ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि इस देश की राजनीति में जितनी भक्ति व नायक पूजा है उतनी अन्य किसी देश में नहीं है। जो लोग लोकतंत्र को बनाए रखने में रुचि रखते हैं, उनके लिए जॉन स्टुअर्ट मिले ने कहा था कि कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, उसके चरणों में अपनी आजादी कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए या उसे इतनी शक्तियां नहीं देनी चाहिए कि हमारी संस्थाओं का विनाश करने के लिए शक्तिशाली बन जाए। जिन लोगों ने जीवन भर देश की सेवा की है उनके प्रति श्रद्धा या कृतज्ञता प्रकट करना कोई गलत नहीं, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। जैसे आयरलैंड के देशभक्त डेनियल कोनेल ने कहा है, कोई पुरुष अपना सम्मान गंवाकर यानी स्वाभिमान की बलि देकर या कोई भी स्त्री अपना सतीत्व भंग करवा कर धन्यवाद अदा नहीं कर सकती, और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता खोकर कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकता। भारत के संबंध में ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ राजनीति में व्यक्ति पूजा सीमा से बाहर है। धर्म में भक्ति मन की आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखा सकती है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा पतन की ओर धकेलती है और अंत में तानाशाही की ओर ले जाएगी, यह तय है। डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि 26 जनवरी 1950 से हम विषमताओं के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं।
राजनीति में हमें समानता का हक होगा, लेकिन सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता यानी असमानता बनी रहेगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को नकारेंगे। आखिर कब तक हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारेंगे? आखिर कब तक हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को अस्वीकार करते रहेंगे? यदि हम लंबे समय तक इसे नकारते रहेंगे तो हम हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालेंगे। हमें इन विषमताओं को जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो लोग भेदभाव और विषमताओं से बुरी तरह से शिकार हैं, वे राजनीतिक लोकतंत्र की उस व्यवस्था को ही जलाकर राख कर देंगे जिसे इस संविधान सभा ने कड़ी मेहनत से बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, जातियां हमारे सामाजिक जीवन में अलगाव पैदा करती हैं, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि वह जाति और जाति के बीच ईर्ष्या और घृणा पैदा करती है। हम एक राष्ट्र हैं ऐसा मानना आत्मवंचना है। हजारों जातियों में बटे हुए लोग भला एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? इसलिए यदि हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन बाधाओं पर विजय पाना होगा। दोस्तों, मैं जानता हूं इस भाषण को आप लोग सिर्फ एक पार्टी विशेष या धर्म विशेष के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे, पर मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस भाषण को आप व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, अपने अंदर समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिएगा कि जो बातें इस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं क्या वो बहुत ज्यादा सत्य नहीं है। इस भाषण में कही गई कुछ बातें आप बहुजन तबके की एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी लागू कीजिएगा, आप खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी लागू कीजिएगा, तभी हम सच्चे अर्थों में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का भारत निर्माण कर पाएंगे। आशा करता हूं कि ये भाषण आप लोगों ने पूरा सुना होगा, ध्यान से सुना होगा, और ये भी आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आने और ना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें, हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चारों जगह पर अवेलेबल हैं। आशा करता हूं कि आप लोग हमारे उस लक्ष्य को नहीं भूले होंगे जो लक्ष्य हमें 31 दिसंबर तक पूरा करना है। हमें बहुजन साहित्य के इस यूट्यूब चैनल को 10,000 लोगों का परिवार बनाना है। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ने की आदत को विकसित कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।